भाजपा के सांसद हैं गौतम गंभीर, उन्होंने ट्वीट किया कि फेविफ्लू ले लो, फेविफ्लू हमारे आओ और हम टैबलेट बांटेंगे, ले जाओ। तो ये क्या उनके पास लाइसेंस था बांटने का? क्या उन्होंने, क्या कोई व्यक्ति ऐसे होर्डिंग कर सकता है और बांट सकता है क्या? ये तो गलत है। अगर उनके पास है, ये जहां से जुगाड़ा है, क्योंकि ये भी टैबलेट मार्केट में कम मिल रहा था। कोई किसी ने कहा कि हम 5,000 रेमडेसिविर बांटेंगे। अरे भाई कहां से लाते हो? सारे काला बाजारियों से आपके ही कनेक्शन हैं क्या? सोच बताइए कहां से लेके आए आप? लेकिन जांच कौन करे? इसलिए जब मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तो मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे कनेक्शन काला बाजारियों से नहीं है। तो संभव है कि और पार्टियों के लोगों से आपको ज्यादा फास्ट मिल जाए, मेरे जरिए कम फास्ट मिले। मैं तो प्रोसेस में बिलीव करता हूं। जो 2000 का टैबलेट है तो 2000 भी मिलना चाहिए, एक पैसा ज्यादा नहीं। ये सब काला बाजारियों का सट्टा, व्यापारियों का धंधा है। आपदा में अवसर, एक पार्टी ने कहा था, आपदा में अवसर ढूंढो। सब ढूंढने लगे कि आपदा आई है, अवसर ढूंढो, कैसे बनाए पैसा, हाई पैसा। किसी काम ना आया पैसा, कोरोना में सबको दिखा दिया। हवा की तरफ पैसे घूम रहे हैं, पानी की तरफ पैसे बह रहे हैं, लेकिन काम ना आ रहा। साथियों, कृपया करके आपदा में अवसर ना ढूंढो। किसी के दुख में अवसर ना ढूंढो। अगर आज आपने अपने खजाने खोल दिए गरीबों के लिए, मुजलुमों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, तो परमात्मा आपको कई गुना देगा। इस तरह से बनाया गया पैसा कभी किसी के काम नहीं आया। आप भी इससे बचें।